हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ठेप्पा मार दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में, वो इंसान जिसे शायद ही कोई ना जानता हो। जिद ऐसी चीज़ होती है, अगर आप उस चीज़ को ठान ले तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मिले, और वो जिद इस इंसान के अंदर बखूबी देखा जा सकता है। इनका जन्म 28 जून 1971 प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ। इनकी मदर का नाम माई मस्क था, जो एक मॉडल और डायस्टिशियन थी, और इनके फादर का नाम इरोल मस्क था, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और सेलर भी थे। इनको बचपन में बहुत ही बुली किया जाता था, लेकिन ये बिल्कुल ही शांत स्वभाव के इंसान में रहते थे। महज 10 साल की उम्र में इनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट जगी, जो आगे चलकर एक क्रांतिकारी साबित हुआ। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद प्रिटोरिया बॉयज़ हाई स्कूल से इंटर किया। 17 साल की उम्र में कनाडा गए और क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। साल 1992 में बिजनेस और फिजिक्स के स्टडी के लिए पेनिसिल्वेनिया गए, जहां से इकोनॉमिक्स की बैचलर्स की डिग्री हासिल की और फिजिक्स में सेकंड बैचलर्स की डिग्री हासिल की। मार्च 1999 में मस्क ने X.com एक कंपनी बनाया, जिसका नाम बाद में बदलकर पेपल रख दिया गया। जी हाँ, वही पेपल जिससे हम और आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विसेज का लाभ उठाते हैं। यह कंपनी आगे चलकर काफ़ी बूम किया और महज कुछ ही महीनों के अंदर 1 लाख से ज़्यादा यूजर्स के पास अपनी पैठ जमा ली। इलॉन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मटेरियल फिजिक्स में PhD की डिग्री परसू की, पर 2 दिन बाद ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना था, जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपने मुकाम को हासिल करना चाहते थे। और फिर 2002 में US सिटीजनशिप की नागरिकता भी साल 1995 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 कंपनी बनाई, जो एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जिसकी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर ने अपना काफ़ी पैसा लगाया था। अक्टूबर 2002 में ईबे ने पेपल को अक्वायर्ड किया लगभग $1.5 बिलियन में, जिससे पहले इलॉन की स्टेक इस कंपनी में लगभग 11% की ओनरशिप थी। साल 2002 में ही इलॉन ने तीसरी कंपनी खड़ी की, जो स्पेस के क्षेत्र में एक माइलस्टोन साबित हुआ, जिसका नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, या फिर शॉर्ट में कहें तो स्पेस एक्स नाम रखा गया। यह वो सपना था जिसे इलॉन ने बहुत ही मेहनत से हासिल किया था, जो पूरे स्पेस के लिए एक नया अवसर प्रदान किया। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जो मेनली फोकस करती है स्पेस प्रोग्रामिंग को अचीव करना रॉकेट टेक्नोलॉजी की मदद से। इस कंपनी की पहली 2 लॉन्च व्हीकल्स, जिनका नाम फैल्कन 1 और फैल्कन 9 रॉकेट था, और इनका पहला स्पेसक्राफ्ट का नाम ड्रैगन था। दोस्तों, इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी जो पूरी की पूरी सक्सेस है वो मेरी टीम की वजह से है। जब भी वो टीम चुनते थे, बहुत ही ध्यान से चुनते थे। डिग्री भले ही बड़ी ना हो, लेकिन काबिलियत ज़रूर होनी चाहिए। साल 2012 में SpaceX की 2/3 हिस्सेदारी को लेकर इलॉन इस कंपनी की CEO बने, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग $875 मिलियन था। जनरली आपने देखा होगा, जब भी रॉकेट लॉन्च होती है तो वह 1-time बॉडी होती है, उसे एक बार लॉन्च कर दे तो वह दोबारा धरती पर नहीं आ सकता, या कहे उसे रीयूजेबल नहीं बना सकते। SpaceX
की सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि इसके थ्रस्टर्स वापस आ सकते हैं और रीयूज़ हो जाते हैं, यानी यह एक रीयूजेबल रॉकेट बनाते हैं। मिशन पर जाने के बाद यह रॉकेट वापस अपनी धरती पर आती है और लैंड करती है। साल 2017 के मार्च में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मिली। स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट से सक्सेसफुल लैंडिंग कराई, जो रीयूजेबल पार्ट्स के द्वारा बनाया गया था, और उस दिन के बाद से स्पेस ट्रेवल के लिए एक रास्ता साफ हो गया। आज के समय में पूरी दुनिया में अपनी दूरगामी सोच की वजह से काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके हैं। एलोन मस्क की सोच हमेशा से ही इंसानों की परेशानियों को दूर करने पर केंद्रित रही, और इसी सोच की वजह से वे पूरी दुनिया में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने जाते हैं। फोर्ब्स के अनुसार एलोन दुनिया के 21वें सबसे धनी आदमी हैं। न जाने बहुत सारे संघर्षों के बाद आज वे लाखों युवाओं के एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, एलोन आज की तारीख में अलग अलग तरह के कामों में लगे हुए हैं, और यह साबित किया कि उनके जैसा सोच वाला व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाते हैं। आज भी वे मानव के हित के परस्पर अपने काम में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको एलोन मस्क की लाइफ स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। आई वेरी थैंकफुल यू ऑल टू गिव योर प्रीसियस टाइम फॉर दिस वीडियो।